दोस्तों, मैं हूं वरुण और टेक टॉक में आपका स्वागत है। मोटो जेट 4 बहुत दिनों से न्यूज में है और मोटोरोला इसे लॉन्च करेगा, ये भी इन्फॉर्मेशन कई दिनों से आ रही है। पहले खबर आ रही थी कि मोटोरोला इसमें स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर लगाने जा रहा है, लेकिन अब नई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये स्मार्टफोन आ रहा है स्नैपड्रैगन के 675 प्रोसेसर के साथ। और ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी नहीं, ये लगभग कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है, और इसके मुताबिक ये स्मार्टफोन आ रहा है 6.4 इंच फुल HD OLED डिस्प्ले के साथ, जो कि एक वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच डिस्प्ले होगा। मोटोरोला इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रहा है। ये दो मेमोरी वेरियंट में उपलब्ध रहेगा, पहला 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज और दूसरा 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें जो कैमरा रहेगा रियर साइड में, वो सिंगल रियर कैमरा रहेगा 48 MP का, और जो सेल्फी कैमरा रहेगा वो 25 MP का रहेगा। बैटरी की जहां तक बात है, मोटोरोला ने इसमें 3600 mAh की बैटरी लगाई है। USB टाइप सी पोर्ट के साथ ये स्मार्टफोन आएगा, और मोटोरोला ने इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक भी दिया है। तो दोस्तों, ये थी रिसेंट इन्फॉर्मेशन मोटोरोला के इस नए आने वाले स्मार्टफोन मोटो जेट 4 के बारे में। उम्मीद करते हैं कि मोटोरोला इस स्मार्टफोन को जल्दी ही लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आपको देते रहेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।